सो औली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे बद्रीनाथ धाम में। नहीं नहीं, ये कोई चार धाम यात्रा नहीं चल रही, सीरीज हमारी चल रही है इंडिया ओवरलैंड और ये है Day 20। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे ये पूरा एरिया कहलाता है बद्रिकापुरी। अलकनंदा नदी के तट पर है और इसकी जो लोकेशन है ये स्थित है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। सी लेवल से इसकी हाइट है कुछ 3300 मीटर्स और जो टेंपल है वो डेडिकेटेड है भगवान विष्णु को। बद्रीनाथ जी का जो स्थान है वो भारत के जो चार धाम हैं यानी दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकाधीश और उत्तर यानी हिमालय में बद्रीनाथ जी। इसी तरह उत्तराखंड के जो चार धाम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, उसमें भी बद्रीनाथ जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मंदिर जो है वो खुला होता है मई से नवंबर तक, कपाट खुलते हैं मई में और बंद होते हैं दिवाली के आसपास नवंबर में। भगवान जी जो हैं यानी भगवान बद्री विशाल, उनकी जो चल विग्रह है यानी उनकी जो चल मूर्ति है वो शिफ्ट कर दी जाती है पांडुकेश्वर मंदिर में, और जो आदि शंकराचार्य जी की गद्दी है, शंकराचार्य गद्दी, वो शिफ्ट कर दी जाती है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। इस समय आप मेरे पीछे देख सक रहे होंगे यहाँ पे कुछ लैंडमार्क्स हैं जिनकी डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से थोड़ी सी दूर ऊपर है चरण पादुका, जहाँ भगवान जी के चरण पादुकाएँ रखी हैं। उसके बाद यहाँ से मंदिर से आधा किलोमीटर राइट की तरफ है बामणी गांव। इस तरफ हमारे लेफ्ट में है तप्त कुंड और 2.5 किलोमीटर अगर हम आगे जाते हैं तो पड़ता है इंडिया का लास्ट गांव यानी माणा विलेज। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आए माणा विलेज की तरफ। माणा विलेज जो कि लोकेटेड है लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे बद्रीनाथ टेंपल से, और यहाँ बीच में ही आता है एक माणा पास जाने को रास्ता जो कि फुली आर्मी कंट्रोल्ड है, जिसकी परमिशन तो बहुत रेयरली मिलती है और आजकल के टाइम में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है क्योंकि इंडिया चाइना का सीन ही थोड़ा अलग चल रहा है। तो बेसिकली ये मेरे पीछे है माणा का लास्ट विलेज। नॉर्मली यहाँ पर एंट्री अलाउड होती है और लेकिन आजकल कोविड के चलते क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो सब कुछ बंद किया गया है, आउटसाइडर की एंट्री बंद है। और नीचे जो ये आप नदी देख रहे हैं जो जाके एंड में भागीरथी से मिलके गंगा बनती है, इसका नाम है अलकनंदा रिवर और ये निकलती है सतोपंत ग्लेशियर से। और सतोपंत ग्लेशियर जाने के लिए या फिर एक ट्रैक है सतोपंत ट्रैक बहुत फेमस, तो ये जो नदी के लेफ्ट साइड से रास्ता जा रहा है ऊपर को तो ये लेके जाता है सतोपंत जो ट्रैक का रास्ता है। और दूसरा हमारा ये जो माणा गांव है यहाँ से जाता है हमारा रास्ता एक वसुधारा वाटरफॉल्स है, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है लेकिन आजकल कोविड के चलते क्योंकि गांव में एंट्री बैन है इसलिए वसुधारा वाटरफॉल भी नहीं मिलते यहाँ से, लेकिन हल्का सा व्यू आ रहा है। खैर मैं कैमरा में आपको नहीं दिखा पाऊँगा वसुधारा वाटरफॉल्स का। और माणा विलेज जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है यहीं पर स्थापित है घंडियाल देवता का पावन मंदिर और साथ ही यहाँ पर है गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीम पुल भी। तो मेरा बहुत मन था कि मैं आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से दिखा पाता लेकिन कोविड के चलते यहाँ पे एंट्री बैन है, तो मेरी तो एंट्री बैन ही है तो जितना दिखा पा रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की।
तो दोस्तों मंदिर के दोनों तरफ यानी नदी के दोनों साइड पे काफ़ी अच्छा मार्केट है, काफ़ी सारी धर्मशालाएं हैं, होटल हैं। कुछ धर्मशालाएं तो यहाँ पे बहुत ही पुरानी हैं। कोविड के चलते 90% मार्केट जो है वो बंद रखा गया है, तो इस टाइम केवल 10% मार्केट ही खुला है। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अपने रहने की व्यवस्था पहले ही कर लें। तो दोस्तों अभी बैठे हैं हम बद्रीनाथ जी मंदिर परिसर में। दोस्तों विष्णु भगवान जी का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब भगवान नारायण यहाँ पर तपस्या कर रहे थे तो धूप बारिश इन चीज़ों से बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने स्वयं एक पेड़ का रूप धारण कर लिया था जिसे बद्री का पेड़ कहते हैं। तो उसके बाद से ही भगवान विष्णु जी का नाम यहाँ पर बद्रीनाथ पड़ गया। भगवान विष्णु यहाँ पर अंदर बद्री रूप में विशाल रूप में दर्शन देते हैं। अगर मंदिर के गर्भगृह की बात करें तो भगवान मंदिर के गर्भगृह में माता लक्ष्मी, उद्धव जी, कुबेर जी, भगवान गरुड़, भगवान गणेश और नर नारायण एवं नारद जी के साथ विशाल रूप में दर्शन देते हैं। मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है इसकी स्थापना की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। 8वीं शताब्दी में ये मंदिर जो है बनके तैयार हुआ था। भगवान जी के जो अंदर योग मुद्रा में मूर्ति है वो निकाली गई थी यहाँ मंदिर के पास में ही नारद कुंड से, और ये एक अकेली ऐसी मूर्ति है जिसकी खंड विग्रह में पूजा होती है। अर्थात जो भगवान जी की मूर्ति अंदर है वो थोड़ा सा खंडित है, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी की परमिशन के साथ ही भगवान बद्री जी की उसी रूप में पूजा की जाती है। मंदिर का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में हम आपको थोड़ी सा नॉलेज दे देते हैं। मंदिर का जो गर्भगृह और मंडप है उसकी फ्लोरिंग हुई है द्रविड़ स्टाइल में, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य के साथ आया था साउथ इंडिया से। बाकी मंदिर का जो गेट आप देख रहे होंगे ये बना है पूरी तरीके से पहाड़ी स्टाइल में, जिसमें लकड़ी और पत्थर पे काफ़ी बारीक काम किया गया है और इसको दिए गए हैं चटक कलर। ये सेम इसी तरीके से है जैसे गढ़वाल में पुराने घर हुआ करते हैं। तो गाइज़ आई होप कि ये जो शार्दुल भाई ने आपको बहुत ज्ञान की बातें बताई आपने उसको एंजॉय किया होगा, कुछ समझा होगा उससे। तो ये जो वैली है जहाँ पे बद्रीनाथ टेंपल लोकेटेड है, तो यहाँ मेरे पीछे की तरफ है नारायण पर्वत और जो मेरे सामने की तरफ है ये है नर पर्वत। और माना ये जाता है कि ये दोनों जो हिमालय के पहाड़ हैं ये धीरे धीरे खिसक के एक दूसरे से मिल रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही सुंदर वाटरफॉल्स है, कुछ वाटरफॉल मेरे सामने हैं और एक वाटरफॉल ये मेरे पीछे है। ये आई गेस नेचुरल वाटरफॉल तो नहीं लग रहा है क्योंकि आई गेस ये पाइप से पानी निकल रहा है, तो ये मैन मेड वाटरफॉल है जो किसी अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाने वाला होगा। और हमारा भी प्लान ये है कि हम थोड़ा इसके नज़दीक जाएंगे और देखेंगे कि क्या है इसके अंदर।